वेल, आज आप लोगों का इंतजार फाइनली खत्म होता है। आज हम फाइनली आप लोगों के रिक्वेस्ट पर पार्थ से मिलने आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि पार्थ, आपकी तबीयत कैसी है सबसे पहले तो? जी, काफ़ी बेटर है। रिकवर हो चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट 90%। थोड़े दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन बिकॉज दे प्रेड फॉर मी। दे मेड श्योर आई गेट वेल वेरी सून। And thank you for wishing me all the very best and get well soon and everything of that sort. आप लोगों ने काफ़ी messages डाले, लिखे, post किए यहाँ वहाँ, तो I tried reading each and everything. So thank you for that. पार्थ, exactly आपको क्या हुआ था? Fans जानना चाहते हैं कि पार्थ को क्या हो गया था, अचानक से बीमार हो गए थे? Nothing, it's like viral था, high fever था, और I was down with typhoid. तो इट टुक मी अ वाइल, कुछ मुझे आठ दिन लग गए रिकवर होने में। एंड ये एक्चुअली बदलता मौसम है, तो बारिश की वजह से बाहर का खाना या बाहर का ये वो सब तो थोड़ा बहुत चलता है। इट्स ओके, इट हैपेंस, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स ओके। मतलब फैंस की तरह, हम सब की तरह पार्थ को भी बाहर का खाना बहुत पसंद है, राइट पार्थ? नहीं, एक्चुअली मुझे खाना ही बहुत पसंद है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर मैं बहुत बाहर का खाता हूँ, बट हाँ, खाना पड़ता है कभी कभी। सिचुएशन शूट ऐसे होते हैं कि आउटडोर लोकेशंस यहाँ वहाँ, तो वी हैव टू मैनेज। एंड विच इज़ दैट के नेक्स्ट टाइम आई विल बी श्योर कि मैं क्या खाऊँ क्या नहीं, डॉक्टर्स हैव एडवाइस मी, सो या। तो पार्थ, अभी भी आपका ट्रीटमेंट शुरू है, मतलब आप शूट पर लौट आए हैं, तो क्या अभी भी आपका ट्रीटमेंट चालू है? आप उन सबका ध्यान रखते हुए शूट कर रहे हैं? जी नहीं, मैं अभी मेडिकेशन पर हूँ, बट बहुत लाइट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। और अभी काफ़ी, लाइक आई सेड, मैं 90% आई हैव ऑलमोस्ट रिकवर्ड, एंड इट्स जस्ट द लाइक फॉर्मेलिटी थिंग, आई हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, तो मैं जल्द ठीक हो जाऊँ। तो या अलॉन्ग विद दैट, यस, आई एम ऑलमोस्ट रिकवर्ड। पार्थ, वैसे हमने ट्विटर पर देखा था, आपने जो अपनी खुशी है वो ट्विटर के ज़रिए अपने फैंस के साथ में शेयर की थी कि आपका जो MTV का शो है कैसी है यारियाँ, देन उसके बाद जिंक का जो शो है आपका, वो TRP में नंबर वन आ गया था, तो कहीं ना कहीं आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे थे, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ऐसे चीज़ें देख कर तो आप मोटिवेट होते हो, और किसी को भी अच्छा लगेगा, मुझे क्या, कोई भी एक्टर को अच्छा लगेगा कि उसका शो अच्छा कर रहा है। तो जब आपको ये पता चलता है कि आपका शो टॉप में है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे लोग आपका शो देखते हैं, पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा महसूस होता है ये सब देखकर, सुनकर और लोगों का रिस्पांस जानकर। तो या इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। पार्थ, आपके आने से फैंस तो खुश हैं, साथ ही मैं जानना चाहूँगी सेट पे किस तरह का माहौल था जब आप फिर से एक बार सेट पर आए, आपकी टीम का किस तरह का रिएक्शन था, नीति का किस तरह से रिएक्शन था? जी एक्चुअली सबका एक्चुअली एक ही सवाल था सबसे पहले कि अब कैसे फील कर रहे हूँ। तो हाँ, तो काफ़ी अच्छा था, एक्साइटेड थे सब लोग बहुत, बट मैं उतना भी रिकवर नहीं हुआ था जब आया था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो टू स्टार्ट विथ हमने बहुत लाइटली लिया, कम शूट किया, और वी मेड श्योर कि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा एनर्जी ना डालने पड़े। तो हाँ, तो वैसे पीपल वर हैप्पी एंड पीपल वर एक्साइटेड, ओके फाइन कि नाउ इज़ बैक ये होना। तो धीरे धीरे आई एम कोपिंग अप, धीरे धीरे मैं एनर्जी बिल्डअप कर रहा हूँ, सो या, इट विल टेक टाइम। जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर लाइकिंग द शो, फॉर लाइकिंग ऑल द कैरेक्टर्स ऑन द शो, द स्टोरी लाइन, द डायरेक्शन, द एक्टर्स, द परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, द केमिस्ट्री बिटवीन दैम स्पेशली। सो इनफैक्ट जितनी बार मैं आपको थैंक यू बोलूँ उतना कम है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मच क्रेजी अबाउट द शो। सो आई विश आई कुड थैंक यू पर्सनली, आपको हाथ मिलाकर या कुछ भी आपसे मिलकर, बट फॉर नाउ आई कैन जस्ट से दैट यस, थैंक्स अ लॉट फॉर लविंग द शो एंड कीप वॉचिंग द शो। थैंक यू, थैंक यू पार्थ, थैंक यू सो मच। कैमरामैन फैजान के साथ पूजा तिवारी, टेली मसाला।